Hello everyone. The last lesson, Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और छोटी कहानियाँ लिखा करते थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वॉर. फ्रेंको पर्शियन युद्ध जो हुआ था ये उस समय की घटना है. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क. पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एलेस एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स. इस स्टोरी में फ्रेंच के जो कुछ जो स्थान हैं वो एलेस और लॉरेंस के द्वारा पर्शियन हाथों में दे दिए गए हैं. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. और ये जो सब युद्ध की घटनाएं चल रही हैं इन सभी का स्कूल लाइफ पर क्या असर आया है आज की इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं कहानी. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. मैंने अपने स्कूल जाना शुरू कर दिया था एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. और मुझे डर लग रहा था कि मुझे डांटना पड़ जाए, जैसे कि सभी को डर लगता है जब सबसे पहली बार हम स्कूल जाते हैं तो हमें डर लगता है कि हमें स्कूल में कोई डांट ना दे. Especially because M. Hamel had said that he would caution us on participles and I did not know the first word about them. मुझे ये कहा गया था कि participles के questions पूछे जाएंगे और मुझे उसके बारे में कोई पता भी नहीं था, कोई ज्ञान भी नहीं था. For a moment I thought of running away. मैंने सोचा कि भाग जाता हूँ. And spending the day out of doors. और बाहर कुछ समय बिता लूँ. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. बाहर काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम था, कुछ पक्षी चहचहा रहे थे. And in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. वहाँ पर कुछ पर्शियन सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, अपना जो प्रैक्टिस है युद्ध की वो कर रहे थे. It was all much more tempting than the rule for participants. मुझे participle rules पढ़ने के अलावा ये काफ़ी अच्छा लग रहा था. But I had the strength to resist and hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं town hall के पास से जा रहा था तो मुझे भीड़ दिखाई दी. For the last 2 years, all our bad news had come from there. वहाँ से bad news आई. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब क्या होगा? अब matter क्या होगा? मैं ये सोचने लगा. और then I hurried by as fast as I could go. मैं बहुत तेज चला जितना मैं चल सकता था. The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin. वहाँ पर bulletin पढ़ा जा रहा था. Called after me, don't go so fast, Bub, you will get to your school in plenty of time. इतना जल्दी मत चलो. I thought he was making fun of me. मुझे लग रहा था कि वो मेरा मजाक बना रहा है. And reached M. Hamel's little garden all out of breath. Usually when school began, there was a great bustle. जब स्कूल की शुरुआत होती है तो काफ़ी हसल बसल होती है, गहमा गहमी जिसे हम कहते हैं वह होती है. Which could be heard out in the street. और हम ये सब चीज़ें गली में सुन सकते हैं. The opening and closing of days lessons repeated in unison very loud. बहुत तेज़ी से बच्चे मिलकर के कुछ lessons को बोल रहे होते हैं. With our hands over our ears to understand better and the teacher's great ruler rapping on the table. और teacher अपने जो scale है उससे table पर rapping करता रहता है. But now it was all so still.
I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But, of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि जैसे संडे की सुबह क्या सन्नाटा छाया हुआ है. Through the window, I saw my classmates already in their places. मैंने देखा मेरे साथी जो थे वो अपने अपने स्थानों पर थे. And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और जो टीचर था M. Hamel, उसने अपना स्केल जो था अपने हाथ में ले रखा था और वो इधर उधर घूम रहा था, यानी कि जैसे इधर हमने टीचर्स होते हैं. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मैं बहुत डर गया था और मुझे बड़ी शर्म आ रही थी. But nothing happened. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly." आप अपने स्थान पर चले जाओ. Little French, we were beginning without you. I jumped over the bench. मैं बेंच पर बैठ गया and sat down at my desk. Now, not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap. उसने हरी शर्ट और छोटी सी एक कैप धारण की हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड सब पर कढ़ाई की हुई थी. दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. और पूरा स्कूल जो था पूरा अजीब सा लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर्सेस ओल्ड होजर विद थ्री कॉर्नर्ड हैट. ओल्ड होजर ने थ्री कॉर्नर्ड हैट लगा रखा था. द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स. और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर गाँव के. Everybody looked sad. सभी उदास दिखाई दे रहे थे. And Hauser had brought an old premier, thumbled at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, जब मैं इधर उधर घूम रहा था इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, फिर M. Hamel ने मुझे कहा, my children, this is the last lesson I shall give you. आज मैं तुम्हें last lesson पढ़ाऊंगा. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alice and Lauren. अब ये order आ चुका है कि यहाँ पर कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन भाषा हम पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर, ऐसा ऑर्डर आया है. द न्यू मास्टर कम्स टुमोरो, और कल एक नया मास्टर आ जाएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आज आपका फ्रेंच का जो लेसन है वह लास्ट होगा, यानी इसके बाद आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंसिव. मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से इसे सुनो. What a thunder clap these words were to me. Oh, the riches, that was what they had put up at the town hall. My last French lesson. मेरा ये last French lesson था, अंतिम French भाषा का जो मैंने पाठ पढ़ा. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs and or going sliding on the sar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints. Were old friends now that I couldn't give up, and M. Hamel too. Ab main mere M. Hamel teacher ko bhi खो दूंगा. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन,
मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं उसे फिर कभी भी नहीं देखूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। मैं सब चीज़ें भूल चुका था कि वो कितने कठोर थे, वो हमेशा अपना रूलर हाथ में लिए रहते थे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे समझ में आ गया था कि इतने सारे लोग वहाँ गांव के क्यों आए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। उन्हें लग रहा था कि वो काफ़ी समय तक स्कूल नहीं गए हैं। इट वॉज द वे ऑफ थिंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। अब जो देश था उनका नहीं रहेगा, उन्हें ये लग रहा था। While I was thinking of all this, जब मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name called, मुझे मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब मुझे कुछ recitation करना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था जब मेरा बोलने का नंबर आया। I heard Mr. Hamel say to me, I won't scold you, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। Little French, you must feel bad enough. See, how is it? Every day we have said to ourselves, but I have plenty of time, I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out. Oh, that is the great trouble with Alice. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. आप फ्रेंचमैन हो फिर भी अपनी खुद की भाषा नहीं लिख पाते हो, खुद की भाषा नहीं बोल पाते हो। But you are not the worst, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। Poor little French, we have all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you to learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ तो मैं क्या तुम्हें छुट्टी नहीं देता हूँ? Then, from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. वो कह रहे थे कि फ्रेंच भाषा जो है वो सबसे अच्छी सुंदर भाषा है। The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. हमें इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उसने ग्रामर की एक बुक खोली और हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। I was amazed, मैं amazed था कि to see how well I understood it. All he said seemed so easy. मुझे बहुत आसान लग रहा था जो भी वो पढ़ा रहे थे। I think too that I had never listened so carefully. मैं सोच रहा था कि मैंने इतना carefully कभी किसी को नहीं सुना। And that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away. ऐसा लग रहा था
जाने से पहले वो हमें बहुत कुछ सिखा देना चाहते हैं। जब भी कोई हमारा टीचर जाता है, विदा होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो जो भी उन्होंने सीखा है वो आपको तुरंत ही सिखाने की कोशिश करते हैं। एंड टू पुट इन ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही झटके में हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग दैट डे। मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपिक्स फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड। फ्रेंड्स एलिस दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once, some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof of the pigeon scoot very low and I thought to myself। कुछ कॉपियां वो ले आए थे जिन पर लिखा हुआ था एलिस, फ्रेंच एलिस। तो जब वो लिख रहे थे उन कॉपियों पर, तो उन्हें बाहर पिजन्स की क्वीन की आवाज सुनाई दी, कूकने की आवाज सुनाई थी। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, उसने तब सोचा कि क्या ये पिजन्स भी जर्मन भाषा में गाएंगे। देनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग हिज फर्स्ट एट वन थिंग। मैंने देखा कि वो एक चीज पे घूर रहे थे मिस्टर हैमिल, देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट टिटी स्कूल रूम। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। वो 40 साल से इस स्कूल में काम कर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने उनकी क्लास थी और वो लगातार उसे देख रहे थे। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर and the hawthorn that he had planted himself twined about the windows to the roof। और उन्होंने जो hawthorn का पौधा लगाया था, प्लांट लगाया था, अब वो विंडो से भी ऊपर चला गया था। How it must have broken his heart to leave it all। और वो सब चीज़ें छोड़ना उन्हें कितना मुश्किल लगेगा। To hear his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the country next day। और उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वो लास्ट तक हर चैप्टर को, लेसन को पढ़ाते रहे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बी ए बी ई बी आई बी ओ बी यू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स and holding his primer in both hands spelled spectacles and holding spelled the letters with them। You could see that he too was crying, his voice trembled with emotions। जब वो विदा हो रहे थे तो उनकी आवाज emotions से tremble कर रही थी, कांप रही थी। and it was so funny to hear him, और मजाक सा लग रहा था उसको सुनना। That we all wanted to laugh and cry, हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी। Oh, how well I remember it, that last lesson, मुझे कितना याद रहेगा ये अपना हमारा अंतिम पार्ट जो है वो। All at once the church clock struck 12, तभी चर्च की क्लॉक ने 12 बजाए। And then the angelus at the same moment the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows। M. Hamel stood up very pale in his chair, I never saw him look so tall। मैंने उसको इतना कभी भी नहीं देखा था, इतनी हाइट का जो टॉल था वो इतना मैंने उसको कभी भी नहीं देखा था। जब वो अपनी चेयर पर खड़ा हो गया और बिल्कुल पेल दिखाई दे रहा था, पीला येलो। All at once the my friends said he I but something choked him, he could not go on। वो
बीच में बोलते बोलते रुक गए और देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, टुक ए पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड वाइवा ला फ्रेंच, फिर जितना वो लिख सकते थे लार्ज उन्होंने लिखा बोर्ड पर. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो. फिर उन्होंने अपने हाथ के इशारे से हमें बताया कि ये स्कूल डिसमिस किया जाता है, आप सब जा सकते हो. तो ये उनके विदाई से जो पहले के क्षण हैं ये इस चैप्टर में बताए गए हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम.